ऑफिशियल ऑटोमेशन की जॉब करना चाहते हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स बनना चाहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर्स बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और बिल्कुल इस कोर्स को करने के बाद आप इजीली किसी भी प्रकार की ऑफिस ऑटोमेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानते हैं बेस्ट कोर्स फॉर ऑफिस ऑटोमेशन जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल जॉब्स करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स में आप कौन सा कोर्स करें जिसके ज़रिए आप इजीली ऑफिशियल जॉब्स या ऑफिस ऑटोमेशन की जॉब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियोज़ में हम आपके लिए एक ऐसे कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसको करने के बाद आप इजीली जो है ऑफिस ऑटोमेशन की जॉब्स के लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स। उसकी डिटेल्स कि आप अगर DCA कोर्स चाहते हैं करना, जो कि एक बेस्ट कोर्स है शॉर्ट टर्म का, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये DCA कोर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा कंप्यूटर्स में, जो कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल्स होता है। आगे जानते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किस टाइप की ऑफिशियल जॉब्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स के लिए आप जा सकते हो। एक DCA कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स आप कर सकते हो। साथ साथ में ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स की जॉब्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। आप कंप्यूटर्स ऑपरेटर भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बनते हो, और साथ साथ में डाटा एंट्री क्लर्क भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डेटा एंट्री कलर के लिए भी आप आगे जा सकते हो, और ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स भी आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। तो ये थी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिसके ज़रिए आप DCA कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इन सभी जॉब ऑप्शंस के लिए आप आगे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और एक और पॉइंट्स जो कि हम आपको बताना चाहेंगे इस कोर्स में सैलरीज का, कि अगर आप इस DCA कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स के लिए आगे बढ़ते हो तो आपका सैलरी पैकेज आपको इसमें क्या मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आफ्टर 12th के बाद आप इस कोर्स को लेके आप जाते हैं और आप एज ए फ्रेशर आप जा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 8000 टू 12000 के बीच में आपको मिल सकती है। और यहाँ पे भी डिपेंड्स करेगा कि अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप अपने इंटरव्यूअर्स को कन्वेंस कर सकते हो अच्छी सैलरी के लिए भी। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद आप जाते हो जॉब्स के लिए और आप एज ए फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी एज स्टार्ट होती है 12000 टू 15000 के बीच में। और ये भी डिपेंड्स करेगा कि आपने इंटरव्यूज़ में कैसा परफॉर्म किया, आप वहाँ पे अपनी सैलरीज को इंक्रीज करवा सकते हो। तो बेस्ट होगा फ्रेंड्स कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये आपके लिए ऑप्शंस हैं सैलरीज के भी, कि कितना सैलरी आप इस कोर्स के बाद ले सकते हैं।